अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एवन फूड रेसिपीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हमने अपने किचन में बनाया व्हाइट सॉस पास्ता और सोचा कि क्यों ना उसकी रेसिपी आपके साथ हम शेयर करें, ताकि आप भी ट्राई कर सकें ये मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में और इन्जॉय कर सकें ये व्हाइट सॉस पास्ता अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो आइए चल के देखते हैं कि हमने ये मज़ेदार सा व्हाइट सॉस पास्ता कैसे तैयार किया। लेकिन उससे पहले, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले तो हमने एक पैन में पानी बॉईल कर लिया और जब पानी अच्छे से बॉईल हो गया तो उसमें हमने 250 ग्राम से करीब पेनी पास्ता जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया। आपने ख्याल ये रखना है कि पास्ता जो है वो ओवर कुक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि पास्ता गल गया है, आपने उसको फ़ौरन से निकाल लेना है और छन्नी में आपने उसको छान लेना है और उसके ऊपर ठंडा पानी आपने पोर कर देना है, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और परफेक्ट सा पास्ता बॉयल हो जाए। अब हमने ले लिया एक सेपरेट पैन जिसमें हमने तकरीबन शामिल किया है 2-3 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और उसको गर्म कर लेने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक 1 टेबल स्पून। जो फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक है, इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी आएगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो कोशिश करें कि आप भी इसको फ्रेश ही इसमें ऐड करें और इसको साथ में 2-3 मिनट तक फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए, लाइट गोल्डन सा, और इसकी अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है बाकी की वेजिटेबल्स, जिसमें कि हम शामिल कर रहे हैं 1 कैप्सिकम और 1 कैरेट। बस इसको हमने चॉप करके इसमें शामिल कर दिया और इन वेजिटेबल्स को भी हमने सिर्फ 2-3 मिनट ही फ्राई करना है, इनको भी हमने ओवर कुक नहीं करना। अब बारी आ गई है जनाब वाइट सॉस तैयार करने की। तो अब हम सबसे पहले एक पैन में ले रहे हैं 2 टेबल स्पून के करीब मक्खन, और ये मक्खन जो है वो जलने ना पाए इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और ये शामिल करके हम इसको मक्खन को मेल्ट होने देंगे। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हमने शामिल किया है 1 खाने का चम्मच मैदा। मैदे को आपने अच्छी तरह से भूनना है, चम्मच इसमें चलाते रहें वरना मैदा जो है वो आपका जल जाएगा। और जब आप ये देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, तो बस समझ जाएं कि मैदा जो है वो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से आपका फ्राई हो गया है। और अब बारी आएगी इसमें शामिल करने की दूध। दूध इसमें हम टोटल शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 कप, लेकिन दूध को भी शामिल करते हुए आपने ख्याल रखना कि आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे और ये आपकी सॉस जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो दूध भी हम आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर रहे हैं और चम्मच हम इसमें मुसलसल चलाते रहेंगे। थोड़ी देर सॉस को पकाने के बाद अब हम इसमें डालने हैं स्पाइसेस, और इसमें सबसे पहले हमने शामिल की है 1 चाय का चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चाय का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच ही इसमें हम शामिल कर रहे हैं नमक। ये जो स्पाइसेस हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे वो वेजिटेबल्स जो कि हमने फ्राई की थी। और ये आप देखते हैं कि जो सॉस है वो थोड़ी सी थिक हो गई है, और बस अब ये टाइम है कि हम इसमें वेजिटेबल्स को शामिल कर दें। और वेजिटेबल्स को शामिल करने के बाद इनको मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे पास्ता जो कि हमने बॉयल करके रखा हुआ था, और बस इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पास्ता शामिल करके वैसे हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में हम लेंगे 1/4 चाय का चम्मच ओरिगैनो, और वो उस पर हल्की सी हम स्प्रिंकल कर देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से। और मज़ेदार सा बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ व्हाइट सॉस पास्ता इज़ रेडी। मज़ेदार सा व्हाइट सॉस पास्ता भी तैयार हो गया है, इसको हमने डिश आउट कर लिया है, और आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी, आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी है।
इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।